सीएम उम्मीदवारी से शिवराज का बुधनी सीट से भी कटेगा पत्ता। बीजेपी शिवराज को मुश्किल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में। कांग्रेस के गढ़ में शिवराज को उतारने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान। शिवराज सिंह चौहान जब से सीएम बने हैं तभी से वो बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। वो 2018 का विधानसभा चुनाव बुधनी से जीते हैं। इससे पहले भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था, यानी बुधनी सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जा सकता है। लेकिन इस बार शिवराज को बुधनी सीट से नहीं उतारा जाएगा, इस बात के संकेत बीजेपी हाईकमान की ओर से मिलने लगे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 7 लोकसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था, जिसमें से 3 मंत्री भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें से रीति पाठक और प्रहलाद पटेल को भी उन सीटों से चुनाव मैदान में उतारा जहां बीजेपी का विधायक अभी भी है। बाकी सीटें कांग्रेस के गढ़ वाली हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इन सीटों को कांग्रेस के मजबूत गढ़ में तब्दील न होने दिया जाए और अपने दिग्गजों के सहारे इसे बीजेपी के खाते में वापस लाया जाए। और अब कहा जा रहा है कि राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी इसी तरह से कांग्रेस के गढ़ में उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। शिवराज को बुधनी सीट से टिकट नहीं दिया जाएगा, इसकी चर्चाएं चल रही हैं और इसके संकेत शिवराज ने भी दे दिए हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब बुधनी पहुंचे तो उन्होंने उपस्थित लोगों से सवाल कर दिया कि इस बार का चुनाव बुधनी से लड़ूं या ना लड़ूं। शिवराज बुधनी में सभा में बोल रहे थे, इस दौरान वो कई बार भावुक हुए। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा भैया कहीं नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। शिवराज के इस बयान को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। पार्टी ने अभी तक शिवराज सिंह चौहान का टिकट फाइनल नहीं किया है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि शायद बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान का टिकट ही काटने की तैयारी कर चुकी है। वैसे भी बीजेपी ने जिस तरह से पार्टी के दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, उसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान ने चुनाव के बाद सत्ता मिलने पर भी सीएम नहीं बनाने का फैसला कर लिया है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल 2018 में हारी हुई विधानसभा सीटों पर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है। 2013 में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़े थे और इस सीट पर वो 70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन ही निरस्त हो गया था, जिस कारण से शिवराज का रास्ता बेहद आसान हो गया था। शिवराज के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार लड़े थे सभी की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 5 साल बाद 2018 में जब शिवराज बुधनी से लड़े तो विदिशा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस के शशांक श्रीकृष्ण भार्गव ने बीजेपी के मुकेश टंडन को 15,000 ज्यादा वोटों से हरा दिया था। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर शिवराज को उतार कर सीट को वापस अपने पाले में लाना चाहती है। वैसे भी विदिशा शिवराज के लिए कोई नई सीट नहीं है, वो विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले विदिशा से ही सांसद रहे हैं, बाद में विधायक भी चुने जाते रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अगर विदिशा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर बीजेपी खाते में कांग्रेस की एक सीट आ जाएगी। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव बेहद कांटे का माना जा रहा है। तमाम सर्वे संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, कुछ वैसा ही मुकाबला 2023 में भी दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्पण न्यूज़।